यार बहुत ही खतरनाक बुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ओ तेरी 1960, ओ तेरी, ये देखो जी भाई, क्या हाल है आपके। आप देख रहे हैं मुशी व्लॉग्स और ये व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एक बकरा मंडी, गाय मंडी लगी हुई है, कुछ भी कह सकते हैं इसे आप, कैटल मार्केट। और आज के व्लॉग में मैं आपको ये एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैटल्स की, गाय बकरों की, इनकी सेल परचेज कैसे होती है, लोग कैसे बिजनेस करते हैं, क्या ये उसी तरह होता है जिस तरह हमारे कंट्रीज में है या डिफरेंट होता है। डेफिनेटली डिफरेंट होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, ऐसे हमारी मंडियाँ लगती नहीं है। इस सबसे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आने वाले दिनों में बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज आने वाली हैं, तो आए देखते हैं हम जी। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी सारी गाय मौजूद है, हमें ये देखें हर तरफ गाय गाय, और इस तरह यहाँ पे मंडी जो है वो सेट होती है। बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं ये देखें, और कम से कम ये 2 लाख की होगी हमारे जो कंट्री में, डॉलर में आप कर लें 2000। ओए ओ ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग बड़ा बुल है, ये देखें ये वाला, ये शायद आपको कैमरे में इस तरह नजर नहीं आ रहा लेकिन वाकई बहुत बड़ा बुल है यार, बहुत ही खतरनाक बुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ओ तेरी, ये देखो, ये बस मारने के लिए है कि किसी तरह मार दे, बहुत खतरनाक है भाई। तो हमारे कंट्रीज में ऐसे बुल को बड़ा पसंद किया जाता है, बड़ा महंगा होता है, तो ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, जैसे हमारे कंट्रीज में आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, जाते हैं गाय का रेट खुद लगाते हैं, कुछ वो बताता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें इस तरह ऑप्शन होती है, ये देखो बता रहा है 50,000 50,000, लाख लाख रुपए, लाख लाख रुपए। अच्छा जी, ऑक्शन का प्रोसेस वहाँ पे बहुत शोर था, शायद आप लोगों को सही तरह समझ ना आया हो, तो मैं यहाँ पे बता दूँ दोबारा कि ऑक्शन बहुत तेज़ी में होती है, और जो आपका ऑक्शन कर रहा होता है वो छड़ी मारता है, तो उसका मतलब है डन, इसके बाद अब आप जितनी मर्जी बेट कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये प्रोसेस जो है मुझे समझ आया, और उसके बाद उसको ब्लू कलर से वो पेंट कर देते हैं ताकि जो बाद में आने वाले हैं उन्हें ये हो कि ये इसकी ऑक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप इस पर बिड नहीं कर सकते। यार ये यहाँ सबसे बड़ा बुल है, ये सबसे बड़ा बुल है भाई, ये कम से कम ये 5 लाख से 10 लाख का होगा ये, अगर हम अपने कंट्री में लगाएं तो। यहाँ पे ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर है, तकरीबन सेम हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसमें नजर नहीं आ रहा कैमरे में, बहुत बड़ा है। अच्छा जी, आपने बड़ी बड़ी गाय भी देख ली, दरमियानी भी देख ली, अब जो आगे वाला सेक्शन है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, या हमारे जुबान में पट्टे कहते हैं उन्हें, वो छोटी हैं, तो ये इसलिए है कि आप जाएं इनको पालें, और इसमें दूध वाली भी है, बीफ वाली भी है, मिक्स है सारी। अच्छा जी, यहाँ पे दूध वाली गाय भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ओके, राइट नाउ विद मी 1960 बाइंग कैटल सिंस 1960, राइट? 1960. या या, एंड हाउ मच इट चेंज ड्यूरिंग दिस इयर्स? व्हाट इज द प्राइस? प्राइस वाइज एंड ओवरऑल थिंग? वेल, इट्स ओनली 12 मंथ्स अगो वी यूज्ड टू सेल दीज वेनस फॉर 2000. 2000. Hey, it's only a couple of weeks ago. Yeah. 1,400. Yeah. And now they're 600. 600. Okay, market is very low right now, huh? Yeah. Ah, okay. But in South Asia, the market is 3 times more. Oh. Thank you. Appreciate for your time. Thank you. अच्छा जी, मिस्टर ब्रेडी से हम बात कर रहे थे, आपने देखा 1960 से ये कैटल्स का बिजनेस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये बहुत महंगी होती थी और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, अब इसकी प्राइस आधी रह गई है। इवन कोविड से पहले तक वो कह रहे हैं जो कैटल, जो गाय यहाँ पे 700 डॉलर की थी, वो आज 300 से 350 डॉलर की बिक रही है। तो मैंने कहा भाई हमारे कंट्रीज में तो यार डबल ट्रिपल पर भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई प्राइस, तो ये फर्क है भाई यहाँ पे। अच्छा जी, ये सेक्शन जो है ये छोटी बच्चों का है, ये देखें कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और ये 150 से 200 डॉलर के ऐसे। अच्छा, ये वो ब्रीड है जो मैं इंडिया एंड पाकिस्तान में देखता हूँ नॉर्मली, मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता कैटल्स के वाले से, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे भी छोटे बच्चे हैं। अच्छा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे क्यूट बच्चे हैं गाय के, और मैं पहले समझ रहा था कि इतने छोटे से सेल नहीं करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही दूध पीने वाले बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही छोटे छोटे से होते हैं,
मेरे ख्याल है 1 महीने के या 1.5 महीने के होंगे, मतलब एज का सही अंदाजा नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटे बच्चे अवेलेबल है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ पे 2-3 ब्रीड के बच्चे हैं। यहाँ पे हर तरह के जानवर मौजूद हैं, ये बड़े जानवर भी हैं, छोटे भी हैं। और इस वीक सिर्फ आप कह रहे हैं गाय की मंडी लगी है, काओ हैं, बुल हैं, ऑक्सीज हैं, तो इस वीक यहाँ पे बकरे नहीं है मौजूद। वो कह रहे हैं आप वीकली हमें कॉल करके या हमारी वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं कि अगले वीक कौन सी यहाँ पे मंडी लगेगी। तो इस वीक ये सिर्फ यहाँ पे गाय मौजूद है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि बकरे हैं और शीप्स हैं और लैम डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं, तो उनकी क्या प्राइसेस हैं, किस तरह सेल होते हैं वो। अच्छा ये देखें, जब ऑक्शन हो जाती है तो ये जब उनको लोड करते हैं तो गाय को वो मिक्स ना हो जाए, उसको अलग-अलग अलग रखने के लिए ये इस तरह से अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये हाइड्रोलिक डोर्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, आपने देखा सारा प्रोसेस, और अब ये लास्ट प्रोसेस है। ये देखें आप, मेरे ये रैंप बने हुए हैं, और इस तरह यहाँ पे छोटे ट्रक जिन्होंने छोटी गाय खरीदी है, और बड़े ट्रकों के लिए बड़े रैंप लगे हुए हैं, तो इस तरह यहाँ से गाय आती है और इनके ऊपर चढ़ के बड़े इजीली वो आपके रैंप से होती हुई आपके यहाँ पे ट्रकों में अपलोड हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रैंप बने हुए हैं, ये देखें। और जो बड़े रैंप हैं ये वाले डबल स्टोरी, क्योंकि काफ़ी ट्रक डबल स्टोरी भी होते हैं जो काफ़ी सारी गाय ले जा सकते हैं, उनके लिए डबल स्टोरी रैम बने हुए हैं। ज़बरदस्त, बड़ा ये भी सिस्टम जो है सारा इन्होंने बड़ा जानवरों की सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अभी राइट नाउ अपलोडिंग नहीं हो रही क्योंकि कुछ लोग ट्रक लेने गए हैं, कुछ कल आएंगे, तो इनका अपना कोई कमिटमेंट होती है इन लोगों से। जी तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। फर्स्ट टाइम मैं कोई कैटल मार्केट या मंडी जो जानवरों के विजिट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो आज तो आपने देखा कि ये सिर्फ काऊ मार्केट थी, लेकिन जिस दिन यहाँ पे दूसरे जानवरों की मार्केट लगेगी डेफिनेटली मैं आपको दोबारा लेके आऊँगा। अच्छा जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं कोई सजेशन हो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और डिफरेंट तरह की वीडियो आती रहेंगी। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।